नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिडवेल हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन से। अगर आप मुगल एम्पायर की बात करो तो 17वीं शताब्दी के एंड तक आप देख सकते हो कि मुगल एम्पायर अपने टेरिटोरियल जेनिथ पे था। टेरिटोरियल जेनिथ का क्या मतलब हो गया कि मतलब सबसे बड़ा टेरिटोरियल एक्सटेंट था मुगल एम्पायर का, ये आप समझ सकते हो। सबसे बड़े इलाके में टेरिटोरियल एम्पायर में ये जो मुगल एम्पायर था ये फैला हुआ था। ओके, और औरंगजेब के राज के समय पे आप समझ सकते हो 17वीं शताब्दी का एंड, चूंकि आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, 1605 तक तो आपका अकबर का ही राज था 1556 से, 1605 से लेके 1627 तक आपका राज था इसका जहांगीर का, फिर 1627 के बाद आपका मोस्ट प्रोबेबली शायद 1651 तक शाहजहां का राज था, सॉरी शाहजहां का राज 1627 1628 से लेके 1658 तक था, 1658 तक, लगभग 30-31 साल शाहजहां ने राज किया। और उसके बाद जो आप कह सकते हो कि 1658 से औरंगजेब की शुरुआत होगी, हालांकि इमीडिएट औरंगजेब की शुरुआत नहीं होगी, कुछ समय तक सक्सेशन के वॉर चलेंगे, दारा शिकोह को हराएगा, फिर औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा और 1707 में फाइनली औरंगजेब मरेगा। तो आप कह सकते हो कि 17वीं शताब्दी के एंड में ये जो मुगल एम्पायर था वो सबसे बड़े इलाके में फैला हुआ था। ओके, इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स की बात की जाए तो जो अकबर के समय पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट की गई उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया गया। हाँ, उन पॉलिसीज में डेफिनेटली कुछ चेंजेस हुए, बट ओवरऑल वो चेंजेस कंटेक्चुअल आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थे, उस समय की ज़रूरत के हिसाब से जो भी ज़रूरत चेंजेस थे वो कर दिए गए। जो बेसिक ढांचा था सोसाइटी का और इकोनॉमी का वो सेम रहा। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैटर्न ऑफ विलेज लाइफ एंड द मासेस के बारे में। भाई विलेज लाइफ कैसी थी, मासेस उस समय पे कैसे रहा करते थे। बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स उस समय पे इंडिया में आए थे, और अब ऑब्वियसली बात है ये यूरोपियन ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स आएंगे तो डेफिनेटली उन्होंने जो कुछ भी इंडिया में देखा उसके बारे में वो लिखेंगे, और उसके बारे में उन्होंने बहुत से अकाउंट्स छोड़े हैं। इंडिया में सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, इंडिया कितना वेल्थ था, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया में, इंडिया की रूलिंग क्लासेस कितनी ज़्यादा ऐशो आराम से रहती थी। ऑब्वियसली बात है जब ये ट्रेडर्स वगैरह आते थे, जब टूरिस्ट वगैरह आते थे या किसी दूसरे कंट्री के ट्रेवलर्स आते थे तो ये ज़्यादातर बड़ी क्लासेस के बीच में रहते थे। इन्होंने लोअर क्लासेस का भी ब्यौरा दिया है, गाँव में लोग कैसे रहते हैं उसका भी ब्यौरा दिया, बट ज़्यादातर इन्होंने जो ब्यौरा दिया वो अमीरों का दिया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक तरफ तो रूलिंग क्लासेस की ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल थी। ऑस्टेंटेशियस मतलब कि इतना पैसा है कि बस उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कोई सड़क चलता गायक मिल गया, उस गायक ने कुछ बड़ा अच्छा गा के दिखा दिया तो उसको अपनी सोने की माला उतार के गिफ्ट कर दी। तो इस प्रकार की ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल जीते थे रूलिंग क्लासेस के लोग। दूसरी ही तरफ इतनी ज़्यादा गरीबी थी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी कि भाई जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो किसान था, पीजेंट था, जो लेबर था, जो आर्टिसन था, उसके हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। जो बाबर था मुगल एम्परर, वो तो गरीबों के कपड़ों को देख के उसके अंदर दया सी आ जाती थी। कई बार बाबर ने अपने मेमोर में लिखा है कि जो पीजेंट्स थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो ऑलमोस्ट नेकेड घूमा करते थे, बिना कपड़ों के घूमा करते थे। जो मेन थे वो डिसेंसी के लिए बस एक लंगोटा बांध लेते थे अपने वेस्ट के ऊपर ताकि वो पूरे नेकेड ना रह जाएं। उसी प्रकार से जो वुमेन थी वो एक पतली सी साड़ी पहन के घुमा करती थी। लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो जो थोड़ा बड़ा मिला वो उन्होंने पहन लिया और वो पहन के घुमा करते थे। तो ये सिर्फ बाबर ने नहीं बताया, ये बात के बहुत सारे यूरोपियन ट्रेवलर्स ने भी बताया। जैसे कि राफ फिच नाम का एक यूरोपियन ट्रेवलर इंडिया में आया, ही केम एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, और वो बनारस वगैरह में था। तो बनारस में उसने बोला कि लोग ऑलमोस्ट नेकेड घूम रहे हैं, लोगों के पास कुछ पहनने को है ही नहीं, एक छोटा सा कपड़ा है जो उन्होंने अपने वेस्ट के चारों तरफ लपेट रखा है ताकि वो बिल्कुल ही नेकेड ना नजर आए। ठीक है भाई, फिर डी लैट करके भी एक ट्रेवलर आया था, उसने बताया था कि भाई जो लेबरर्स थे उनके पास भी प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं थी। गर्मियों में तो चलो ठीक है, उनके पास कपड़े कम है तो वो उघारे ही घूम रहे हैं, हल्का फुल्का कपड़ा पहन ले रहे हैं, लेकिन विंटर्स के समय पर उनके पास गर्म कपड़े नहीं हुआ करते थे। ओके, फिच ने यह बताया है कि विंटर्स के समय पर ज़्यादातर ये लोग थे ठंडी में ठिठुरते रहते थे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस समय पे, और जूते चप्पलों का प्रयोग भी ज़्यादा बताया नहीं गया है। ठीक है ना, फुटवेयर का इस्तेमाल, अब देखिए जो रॉयल क्लास है, जो नोबिलिटी वाली क्लास है, वो तो जूते चप्पल और हर प्रकार की ऐशो आराम की चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे
जैसे निकितिम नाम का एक ट्रेवलर आया, उसने बताया कि डेक्कन में ज्यादातर लोग बेयर फिटेड घूमते थे, वो कुछ भी नहीं पहनते थे पैरों में, ठीक है। एक मॉडर्न ऑथर है मोरलैंड, सेज दैट ही डिड नॉट फाइंड अ शू मेंशन एनीवेयर नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई आम आदमी जूते पहना दिखा ही नहीं, बेसिकली जूते का कोई नामो निशानी नहीं है। कुछ हद तक बंगाल वगैरह में जूते वगैरह पहनते थे लोग, बट बाकी नॉर्थ इंडिया में कहीं जूते पहनते ही नहीं थे। रीजन क्या था कि जूते बनाने के लिए चाहिए होता था लेदर, और लेदर उस समय पे बहुत महंगा हुआ करता था। प्लस रही बात कि किस प्रकार के घरों में रहते थे, घर में फर्नीचर कैसा था, किस प्रकार के घर थे, तो इसमें आपको देखिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे ज़्यादा गेस्टवर्क की जरूरत है। आप समझ ही सकते हैं उस समय पे इंडिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और इस गरीबी के अंदर लोगों के पास जहाँ पे खाने पीने के पैसे नहीं हैं तो वो घर क्या ही बनवाएंगे, तो मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे। फर्नीचर के नाम पे अगर इन झुग्गी झोपड़ियों में कुछ था तो बैम्बू मैट्स थी, छोटे मोटे कॉट्स थे जिसके ऊपर लोग लेटते थे, अर्दन यूटेंसिल्स थे, मिट्टी के बर्तन थे जो कि विलेज का पॉटर बनाता था, कुम्हार नहीं होता था जो कि घड़े बनाता था मिट्टी से, तो इस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल होते थे। क्योंकि कॉपर के बर्तन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे तो ज़्यादातर पुअर कॉपर के बर्तन नहीं खरीद पाते थे। और रही बात नॉबिलिटी की, तो नॉबिलिटी तो भाई चांदी और सोने के बर्तन में भी खाना खा सकती है, उनके पास तो देखो इतने पैसे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इतना डिफरेंस था इन सोसाइटीज़ में। एक तरफ बिल्कुल ही आपको अमीर लोग नज़र आएंगे, एक तरफ बिल्कुल ही आपको यहाँ पे गरीब नज़र आएंगे। फिर नेक्स्ट बात की जाए खाने की, तो खाने के कंटेक्स्ट में देखोगे तो मिलेट और पल्सेस मतलब दाल, मिलेट्स, ये स्टेपल डाइट थी, बहुत सारे लोग इनको खाते थे। बंगाल में फिश बहुत खाई जाती थी, जहाँ जहाँ पे भी कोस्ट थे वहाँ पे ऑब्वियसली बात है फिश बहुत खाई जाएगी। नॉर्थ इंडिया में चपाती खाने का आप कह सकते हैं फैशन था, आज की डेट में भी देखिए नॉर्थ इंडिया में चपाती खाई जाती है। रोटी और फुलके के बिना कोई खाना कंप्लीट ही नहीं होता है, तो व्हीट और कोर्स ग्रेन की बनी हुई चपातियाँ उस समय पे भी स्टेपल डाइट का पार्ट थी। पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स उस समय पे कंज्यूम किए जाते थे। जो ऑर्डिनरी लोग थे वो बेसिकली अपना खाना रात में प्रॉपर तरीके से खाते थे, और दिन में आप कह सकते हो उबली हुई दाल को चबा के खाया करते थे। उस समय पे फूड ग्रेन से ज़्यादा सस्ता हुआ करता था घी और तेल, और घी और तेल स्टेपल पार्ट था एक पुअर मैन की डाइट का। आज की डेट में घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बट उस समय पे जो घी नाम का मिल्क प्रोडक्ट था उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। घी से ज़्यादा महंगा सॉल्ट और शुगर था, नमक और चीनी उस समय पे घी से ज़्यादा महंगा हुआ करता था। लोगों के पास प्रॉपर पहनने के कपड़े नहीं थे, शूज़ वगैरह लोग नहीं पहनते थे, बहुत महंगे आते थे। तो कुल मिला के आप देखोगे कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में देखोगे तो बहुत अच्छी जगहों पे लोग रहते नहीं थे, ना ही वो बहुत अच्छा पहनते थे, ठीक है ना, ना ही उनके पास पहनने के जूते थे, लेकिन खाने में फिर भी बेटर थी चीज़ें। लोगों के पास खाने की अवेलेबिलिटी थी, फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी थी, मिल्क प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन रहने का स्टैंडर्ड, कपड़े पहनने का स्टैंडर्ड, जूते पहनने का स्टैंडर्ड, ये बहुत बेकार था। और एक्चुअली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती, इनकम और वेजेस के ऊपर। जहाँ बात आई खाने की, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उस समय पे देखो देश की आबादी ज़्यादा थी नहीं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना था कि खाने पीने का जुगाड़ हो जाता था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी। फिर अगर आप पीजेंट्स की इनकम की बात करो, तो उस समय पे पीजेंट्स की कितनी इनकम थी इसके बारे में ज़्यादा देखिए बोला नहीं जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में बार्टर सिस्टम में चीज़ें एक्सचेंज कर ली जाती थी। जो विलेज के आर्टिसंस थे वो, अगर जैसे आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट क्या कर सकता है, शाही घराने के लिए किसी नॉबल के लिए कोई पेंटिंग वगैरह बना देगा, उसका कोई आर्ट और कल्चर का काम कर देगा, उसके बदले में उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट को थोड़े बहुत खाने पीने का सामान दे दी जाएगी, कोई इसी प्रकार की डेली मर्रा की कमोडिटी इस्तेमाल के लिए दे दी जाएगी। तो ओवरऑल मनी का जो फ्लो था इन लोअर क्लासेस के बीच में, हमारे विलेज के इलाकों में, वो काफ़ी कम था। इन लोगों के पास ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम थी व्हेन इट कम्स टू लिविंग, व्हेन इट कम्स टू वियरिंग शूज एंड क्लॉथ्स, लेकिन जब बात आती थी खाने पीने की, फॉर्चुनेटली खाने पीने में इन लोगों के पास ज़्यादा कमी नहीं थी। फिर एक किसान के पास ऑन एन एवरेज कितना लैंड होता था, इसका कोई प्रॉपर पैमाना हमारे पास नहीं है। हाँ एक चीज़ क्लियर है कि उस समय पे गांव में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। इनइक्वालिटी मतलब गांव के अंदर भी एक तबका बहुत ज़्यादा अमीर था और एक तबका ज़रूर से ज़्यादा गरीब था, कुछ वैसा ही जैसा आज की डेट में होता है। बट आज की डेट में सरकार बहुत एक्टिव है, अलग अलग प्रकार से लोगों की मदद करने की कोशिश करती है सरकार, उस समय में सरकार इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी। ओके, तो आप देखोगे कि
The peasant who did not have his own plow and bullocks often tilled the land of the zamindar or upper caste. उस समय पे गांव में जमींदार और अपर कास्ट हुआ करती थी और ये जमींदार और अपर कास्ट के पास ज्यादातर लैंड की ओनरशिप होती थी और इनके लैंडों पे जाके जो गरीब लोग थे वो काम करते थे। कभी कभी ये ज्यादातर केसेस में जो गरीब लोग थे वो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस या लोअर क्लासेस को बिलोंग करते थे। उस समय की सोसाइटी में कास्ट एक बहुत मेजर फैक्टर थी। ओके, जो लेबरर्स थे उनको अक्सर कर अनटचेबल्स कहा जाता था। ओके, तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम काफी डोमिनेंट हो जाता था। ओके, फिर आप देखोगे कि अगर कोई फैमिन आ गया या कोई फ्लड आ गया, कोई ड्रॉट आ गया, तो उस समय पे वो पीजेंट्स जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, जो किसी दूसरे की जमीन पे जाके खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होते थे। क्योंकि अगर आपके पास खुद की जमीन है, उस पर आपने कुछ पैदावार की है, तो कम से कम आप अपने खाने पीने का तो जुगाड़ कर लोगे। लेकिन जब आपके पास खुद की जमीन है ही नहीं, आप किसी दूसरे की जमीन के ऊपर डिपेंडेंट हो अपने डेली मर्रा के खर्चों के लिए, तब अगर कोई फैमिन आया, ड्रॉट आया, फ्लड आया, तो सबसे ज्यादा आप परेशान होगे। फिर वो पीजेंट्स, वो किसान जो लैंड ओन करते थे और उसी लैंड पे वो खेती बाड़ी करते थे, इनको बोला जाता था खुद कास्ट। तो आपसे बोले कि खुद कास्ट कौन थे, तो खुद कास्ट आप कह सकते हो कि वो पीजेंट्स थे जिनका खुद का लैंड हुआ करता था और वो अपने खुद के लैंड को टिल करते थे, उस पर खेती बाड़ी करते थे, इनको आप खुद कास्ट बोलते हो। खुद कास्ट भी यहाँ पे लैंड रेवेन्यू देते थे। तो आप लैंड के ओनर हो, आपको देखो लैंड रेवेन्यू तो देना ही है मुगल अंपायर को। ओके, जो लैंड रेवेन्यू था वो कस्टमरी रेट्स के हिसाब से ही ये दिया करते थे। बहुत सारे आप देखोगे कि जो बड़े बड़े जमींदार टाइप के लोग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके पास बहुत सारे हल थे, बहुत सारे बुलक्स थे, तो ये हल को और बुलक्स को भी किराए पे चढ़ा देते थे गरीबों को। ऐसे किसान जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, तो वो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े वाले किसान किराए पे जाके बड़े बड़े जमींदारों से बैल ले आएंगे, हल ले आएंगे, और उसको जोत के थोड़ा बहुत रेंट यहाँ पे दे देंगे। ओके, तो कुल मिला के आप देखोगे कि गाँव की जो लाइफ थी, एग्रीकल्चरल लाइफ थी, वो काफी अनुकूल थी। एक तरफ बहुत अमीर थे, एक तरफ बहुत गरीब थे, और एक तरफ टीनेंट्स भी थे। उस समय की सोसाइटी में भी जो लैंड ओनिंग क्लास थी, उस लैंड ओनिंग क्लास ने अपने नीचे लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था। अब वो एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बात है सैलरी के आधार पे भी हो सकता है और टीनेंसी के आधार पे भी हो सकता है। टीनेंसी के आधार पे क्या होगा कि मैं जमींदार हूं, मेरे पास 200 बीघा खेत पड़ा हुआ, अब 200 बीघा खेत में से 5 बीघा खेत मैंने किसान को दे दिया और बोला कि इस लैंड में से मेरे को इतना रुपया चाहिए, इसके अलावा तुम जितना कमा लो वो तुम्हारा, समझ गए। तो ये टीनेंसी पे चढ़ा दिया, मैंने किसी और को दे दिया, पूरा का पूरा काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, उससे बोलो तुम कमाओ, ठीक है ना, तुम खेतीबाड़ी करो, मुझे इतना दे देना, बाकी तुम रख लेना, समझ गए। तो ये सब चीजें उस समय पे हुआ करती थी। लेकिन विलेज सोसाइटी यहाँ पे काफी अनइक्वल थी। बड़े बड़े जमींदार जिनके पास बड़े बड़े लैंड की ओनरशिप थी उनकी चलती थी, और ज्यादातर ये एक डोमिनेंट कास्ट के हुआ करते थे, एक हायर कास्ट के हुआ करते थे। और उस समय पे सेटअप भी कुछ ऐसा था कि किसी एक गांव के अंदर एक ही कास्ट डोमिनेंट हुआ करती थी। तो एक ठाकुरों का गांव है, ये भाई पंडितों का गांव है, ये राजपूतों का गांव है, इस प्रकार की चीजें वहां पे काफी चला करती थी। और इस प्रकार के गांव में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेविलेंट था, जो सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनको काफी यहाँ पे परेशान किया जाता था, काफी यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर अगर आप देखोगे तो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया की जो आबादी थी वो थी लगभग 125 मिलियन, आप कह सकते हो एब्सोल्यूट नंबर्स में 12.5 करोड़। ओके, इस 12.5 करोड़ की आबादी के हिसाब से हमारे पास जो जमीन थी इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा थी। आज सोचिए, आज आबादी 140 करोड़ है और हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आबादी थी 12.5 करोड़। तो 12.5 करोड़ लोगों को खिलाने पिलाने के लिए हमारे पास जमीनें बहुत थी, कल्टीवेबल लैंड की कोई कमी नहीं थी। आप नए नए लैंड को कल्टीवेबल लैंड में बदल सकते थे, बस आपको थोड़े बहुत पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में पेड़ ही पेड़ थे। ओके, तो एक पीजेंट जितना चाहे उतना लैंड कल्टीवेट कर सकता था, लैंड कल्टीवेशन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी यहाँ पे। आपके ऊपर सवाल बस इतना है कि आप कितना लैंड कल्टीवेट कर सकते हो, लैंड की कमी नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स कम है, लैंड ज्यादा है। फिर क्या बोला जा रहा, अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका, इंडिया हैड अ वेल डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी। एशिया और अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इंडिया में भी बहुत हद तक एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थी, बट इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन बहुत था। एग्रीकल्चर के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन था और एग्रीकल्चर के अलावा भी डाइवर्सिफिकेशन था। एग्रीकल्चर के अलावा डाइवर्सिफिकेशन,
मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होता था, चाहे वो स्पाइस ट्रेड हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड हो, टेक्सटाइल का ट्रेड हो, इसमें इंडिया इंटरनेशनली कॉम्पीट करता था। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के फील्ड में भी कोई एक नहीं, बहुत प्रकार की क्रॉप्स इंडिया के अंदर उगाई जाती थी, वीट हो, राइस हो, ग्राम, बारले, पल्सेस, बाजरा, ये सब कुछ इंडिया के अंदर उगाया जाता था। फिर कॉटन, इंडिगो, चे, चे मतलब एक रेड डाई, जैसे इंडिगो नीली डाई थी, चे रेड डाई थी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सब जो क्रॉप्स थे वो भी इंडिया के अंदर उगाए जाते थे। और ये चूंकि कैश क्रॉप्स थे, कॉमर्शियल बेसिस पे उगाए जाते थे, तो जो इनको उगाता था उसको पैसा भी अच्छा खासा मिलता था, और जो कैश क्रॉप्स था उसके ऊपर सरकार टैक्स भी ज़्यादा लेती थी, तो कैश क्रॉप्स और सुपीरियर क्रॉप्स में जो किसान था वो भी ज़्यादा कमाता था, और जो सरकार थी इनकम थी वो भी ज़्यादा होती थी। अच्छा, एक पीजेंट अगर मान लो कोई एक क्रॉप उगा रहा है तो वो उस क्रॉप की बजाय दूसरी क्रॉप भी उगा सकता है, तो एक पर्टिकुलर पीजेंट कौन सी क्रॉप उगाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सी क्रॉप उसके लिए प्रॉफिटेबल है। तो स्विचिंग फ्रॉम वन कल्टीवेशन टू अनदर कल्टीवेशन वाज अ नॉर्मल थिंग इफ द फार्मर फाउंड इट टू बी प्रॉफिटेबल। फिर आप देखोगे कि 17वीं शताब्दी के दौरान दो क्रॉप्स के कल्टीवेशन को शुरू किया गया, एक तो था टोबैको, दूसरा था मेज। सिल्क और तसार कल्टीवेशन भी बंगाल में बहुत वाइड स्प्रेड था। ठीक है, आप देखिए कि सिल्क और तसार कल्टीवेशन एक समय पे बंगाल में इतना ज़्यादा हो गया कि हमें चाइना से सिल्क को इम्पोर्ट करने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सिल्वी कल्चर, सिल्क का रिलेटेड जो एग्रीकल्चर है, इसकी टेक्नोलॉजी चाइना में इन्वॉल्व हुई है। बहुत लंबे समय तक चाइना में एक वेल गार्डेड सीक्रेट था, धीरे धीरे करके ये सिल्क को रियर करने की जो टेक्नोलॉजी थी पूरी दुनिया में फैल गई, इंडिया में भी फैल गई, और इंडिया के आसपास जो बंगाल के आसपास का इलाका था वहाँ इतना सिल्क कल्टीवेशन किया गया कि चाइना से हमने सिल्क मंगाना बंद कर दिया। फिर हमने पोटैटो और रेड चिलीज को उगाना शुरू किया 18वीं शताब्दी में। ओके, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो कंट्री साइड था, जो हमारा गांव का इलाका था, भले ही उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम थी, उसके बावजूद ये गांव का इलाका 17वीं शताब्दी में हमारे देश में जो शहर डेवलप कर रहे थे उन शहर की पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए सफिशिएंट था। तो नो डाउट 17वीं सेंचुरी के समय पे मुगलों के अंदर अर्बन इलाकों में जो बड़े बड़े शहर बढ़ रहे थे उसमें आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और उन आबादी को खाना खिलाने के लिए हमारे गाँव में जो पैदावार थी वो इनफ थी। भले ही हमारी पैदावार की प्रोडक्टिविटी बहुत पैथेटिक थी, बट उसके बाद भी पैदावार इतनी थी कि आराम से पूरा देश खा पी सकता था, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी। ओके, इनफैक्ट हमने अपने आप को फीड करने के साथ साथ बहुत सारे फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट भी किया, चावल हो गया, चीनी हो गया, इसको नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया ने उस समय पे एक्सपोर्ट भी किया। फिर हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया है, मैन्युफैक्चर गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स का इनपुट होता है टेक्सटाइल के अंदर, हमने ये भी एक्सपोर्ट किया है, और इनफैक्ट टेक्सटाइल्स फाइनल प्रोडक्ट ये तो हम एक्सपोर्ट करते ही थे। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इनफैक्ट देखिए, मुगल एम्पायर ने हर तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश की, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात कर लो, चाहे वो बिजनेस की बात कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुगल स्टेट्स ने इंसेंटिव दिया, लोन दिया, इस लोन को तकावी कहा जाता था। तो अगर आपसे बोला जाए कि तकावी क्या होता है, ये शब्द याद रखिएगा, तो तकावी एक इंसेंटिव होता है या लोन होता है जो कि पीजेंट्स को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि पीजेंट्स एग्रीकल्चर को और इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर के अंदर आने वाला इलाके को और एक्सपेंड करें, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करोगे तो आपकी जेब में से पैसा निकलेगा, एफर्ट लगेगा, इनिशिएटिव लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो तकावी नाम का लोन दिया जाता था मुगल स्टेट की तरफ से किसानों को। ओके, फिर अगर आप देखोगे तो जो इंडियन कल्टीवेटर था, जो कोई इंडियन किसान था, वो भी आप कह सकते हो कि कोई बैठा बिठाया बिना दिमाग लगाने वाला आदमी नहीं था, वो अच्छा खासा एक इनोवेटिव इंडिविजुअल था, वो कंजर्वेटिव नहीं था, चेंज के साथ अडेप्ट करने की ताकत थी इंडिया के किसान के अंदर। ओके, कई बार इंडिया के किसान को बहुत हद तक हिस्टोरियंस ने कंजर्वेटिव बोला था, बट वो इतना कंजर्वेटिव नहीं था। एग्रीकल्चर टेक्निक्स जरूर इंडिया के एग्रीकल्चर में नहीं आ पाई, उसका रीजन हमारे किसान नहीं थे, उसका रीजन ये था कि साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप, साइंटिफिक इनिशिएटिव देश में कम था। मुगलों ने साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यूरोप में जिस प्रकार से साइंस तेजी से आगे बढ़ रही थी, ऐसा इंडिया के अंदर नहीं हो रहा था। अगर इंडिया के अंदर इस प्रकार की साइंटिफिक रिसर्च कराई जाती तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड में भी कुछ इनोवेशन हो सकते थे, बट वो यहाँ पे नहीं हुए। बट नो डाउट अगर आप देखोगे
तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाएगा, अब ऑब्वियस सी बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यार्न है या तो कॉटन लगाओगे या सिल्क लगाओगे वो कहाँ से आएगा, वो तो एग्रीकल्चर से आ रहा है ना, कॉटन की खेती करोगे तो ही तो आएगा ना। आप कह सकते हो सिल्वी कल्चर भी एक प्रकार से एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो इंडियन एग्रीकल्चर ने अपना पूरा योगदान दिया है शुरुआती फेज में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने में, किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी है। अच्छा, मिडिल टाइम्स में एक बहुत अच्छी चीज थी, वो पीजेंट्स जिनके पास जमीन थी उनकी जमीन उनसे छीनी नहीं जाती थी, भले वो एक टोटेलिटेरियन स्टेट था लेकिन जो राज था ना मुगलों का उसको केवल एक बात से मतलब था कि भैया उनको उनका टैक्स दे दो। तो अगर कोई पीजेंट है जिसके पास उसकी खुद की जमीन है, उस जमीन पे जो भी पैदावार हो रही है उसके अगर ऊपर अगर पीजेंट टैक्स दे रहा है तो उस पीजेंट से उसकी जमीन नॉर्मल कर सिचुएशन में नहीं छीनी जाएगी। जमीन छीनने की नौबत तभी आएगी जब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपना टैक्स देना बंद कर देगा। ओके, एक और बात कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने जमीन को बेच भी सकता था अगर बाकी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे एक पूरा गांव है उस गांव के अंदर पूरी कम्युनिटी रह रही है, तो एक इंडिविजुअल के पास अगर कोई लैंड है अगर वो अपने लैंड को बेच रहा है तो वो बेचना चाहे तो बेच सकता है बाकी कम्युनिटी को अगर प्रॉब्लम ना हो। और अगर एक इंसान मर जाता है तो उसके बच्चे उसका जो लैंड है उसके ऊपर अपना राइट रख लेंगे, ये भी यहाँ पे था। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो टैक्सेस थे वो बड़े हैवी थे, ऑलमोस्ट 50% तो टैक्स में चला जाता था। तो जो ऑर्डिनरी पीजेंट है अगर वो 100 यूनिट्स उगा रहा है तो 50 यूनिट्स तो उसके टैक्स में चले जाते थे, तो बाकी बचे हुए से वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी लेता था। एक छोटे किसान के पास कभी भी इतना पैसा नहीं बचता था कि वो अपने जमीन में कुछ इन्वेस्ट कर सके, कुछ नया आप कह सकते हो इनोवेशन कर सके, इतना पैसा कभी एक छोटे किसान के पास नहीं बचता था। हाँ, जो बड़े किसान होते थे, खुद कास्ट होते थे, जमींदार होते थे, इस प्रकार के लोगों के पास अपने लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता था। आप बोलोगे सर लैंड में कैसे इन्वेस्ट करेगा आदमी, तो ज्यादा प्लॉ खरीदना उस समय पे, क्या ज्यादा हल खरीदना, ज्यादा ऑक्सन खरीदना जो कि उस हल को खींचेंगे, इसको इन्वेस्टमेंट कहते थे। और भी छोटे मोटे बहुत टूल्स हुआ करते थे, अब उस समय की प्रिमिटिव सोसाइटी थी, ज्यादातर चीजें मैनुअल भी हुआ करती थी, तो छोटे किसान किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो जितना भी पैदावार करते थे ऑलमोस्ट 50% उनका टैक्स में चला जाता था, बाकी में जैसे तैसे वो अपनी जिंदगी वगैरह काट लेते थे। लेकिन जो बड़े किसान थे, बड़े किसान कुछ हद तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अच्छा, एक पीजेंट की लाइफ में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो उसकी लाइफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पर तो डिपेंड करती थी प्लस सीजन्स पे और कस्टम और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करती थी। तो कोई त्यौहार आ गया, कोई पिलग्रिमेजेस आ गया, कोई सेरेमनी हो गई, घर में बच्चा पैदा हुआ है, किसी की डेथ हो गई, किसी की शादी हो रही है, तो इस प्रकार की मतलब इवेंट्स पे अपने ही प्रकार की सेरेमनीज हुआ करती थी जिसमें इन लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता था। ओके, फिर मैंने खुद कास्ट के बारे में आपको बताया, रेजिडेंट कल्टिवेटर्स थे, ये उतने गरीब लोग नहीं थे, इनके पास ठीक ठाक बड़े लैंड थे, जमींदार के पास मैंने बताया बहुत बड़े बड़े लैंड थे, और इस प्रकार के जो लोग थे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे अपने जमीन के इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि वो अपने जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए पे दूसरे किसान को दे देते थे कल्टीवेशन के लिए। तो कुछ बड़े जमींदार और जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे उनके पास अपनी जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था, सबके पास पैसा नहीं था। अगर आप शहरों की बात करो तो जो शहरों में सबसे बड़ा तबका था ना वो गरीबों का था, और इन गरीबों में आर्टिस्ट भी आते थे, इन गरीबों में सर्वेंट और स्लेव्स भी आते थे, सोल्जर्स भी आते थे, आप कह सकते हो मैनुअल वर्कर्स भी आ सकते थे, लेबरर्स भी आते थे। तो सिटी में नॉबिलिटी तो बहुत साइजेबल थी, बहुत कम नॉबिलिटी थी, शाही घराने के लोग ही कितने होते हैं, बाकी सब आम आदमी है, और शहरों में एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा है तो जॉब करने वाले लोग हैं, और ये जो जॉब करने वाले लोग थे ज्यादातर गरीब हुआ करते थे। जो सर्वेंट था उस सर्वेंट की तरह इंडिया के अंदर यूरोपियन अकाउंट्स के हिसाब से 2 रुपया प्रति महीने हुआ करती थी। जो फुट सोल्जर्स थे और जो बाकी वर्कर्स थे वो महीने के 3 रुपए से कम कमाते थे, और उस समय पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी फैमिली को 2 रुपए प्रति महीने में पाल सकता था। तो खाने पीने के पैसे इन लोगों के पास भी रहते थे। फिर यहाँ पे कुछ यूरोपियन राइटर्स हैं, उन्होंने हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के अंग्रेजी राज को अच्छा दिखाने के लिए यह बताया है
कि जो अंग्रेजी राज के समय पे स्लेव्स की सिचुएशन थी वो पहले जैसी थी, अंग्रेजी राज ने ज्यादा कुछ दबाया नहीं है, लेकिन बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को इन्होंने, अंग्रेजों ने, इन यूरोपियन राइटर्स ने इग्नोर भी किया है। असल में इंडिया के अंदर एक समय ऐसा था जब स्टैग्नेशन आ गया था, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही थी, और वो अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हुआ था। वहीं पे यूरोप में इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी को स्टैग्नेशन और डिसेलरेशन में ढकेल दिया इन अंग्रेजों ने, इन यूरोपियंस ने, और यूरोप की इकोनॉमी फल फूल रही थी इंडिया की इकोनॉमी के दम पे। और जब ओवरऑल सोसाइटी का पतन हो रहा हो तो इंडिविजुअल सेक्शंस कैसे ऊपर जाएंगे? तो इन यूरोपियंस के सिस्टमैटिक तरीके से हमारी इकोनॉमी को तोड़ने की वजह से हमारे देश के हर तबके की हालत यहाँ पे खराब हो गई। और ये वो समय था जिस समय पे इंडिया गर्त में जा रहा था, यूरोप डेवलप हो रहा था, और इस समय पे स्लेव्स की हालत को ब्रिटिश राज के दौरान कंपेरेटिवली अच्छा बताया गया है इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा, जबकि इस पर्टिकुलर फैसेट को जबरदस्ती इग्नोर किया गया है कि भाई तुम इंडिया की इकोनॉमी को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय करो। हालांकि वो इसका एम्बिट नहीं, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैटर्न ऑफ विलेज लाइफ एंड मासेस के बारे में मैंने बात की। अब रूलिंग क्लासेस नॉबल्स और जमींदार कैसे रहा करते थे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ।